सरकार सूबे के मदरसों को आधुनिकता से जोड़ने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है और जिस तरह से मदरसों में योगी आदित्यनाथ ने NCERT पाठ्यक्रम लागू किया है, उसके बाद UP सरकार वहां का ड्रेस कोड भी बदलने जा रही है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को कुर्ता पजामा की जगह पैंट शर्ट पहनना अनिवार्य करने जा रही है। योगी सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने इस बात का खुलासा किया है कि जल्द ही मदरसों के बच्चों के लिए भी पैंट शर्ट पहनना अनिवार्य होगा। मोहसिन रजा ने कहा कि मदरसों में आमतौर पर बच्चे कुर्ता पजामा पहनकर नजर आते हैं, जिससे उनकी पहचान एक धर्म विशेष से होती है। मदरसे के छात्रों के बीच इसे खत्म करना जरूरी है। ऐसे में मदरसों के बच्चे भी स्कूलों के बच्चे की तरह लगेंगे, इसलिए मदरसों में पैंट शर्ट पहनने या नए ड्रेस कोड को लेकर एक विचार चल रहा है और जल्द ही सरकार इस पर निर्णय भी लेने वाली है। वहीं आपको बता दें, यूपी के मदरसों को मुख्य धारा में लाने के लिए पहले ही योगी सरकार द्वारा सिलेबस में बदलाव किया जा चुका है। मदरसों में अब NCERT की किताबें अनिवार्य की गई हैं। पाठ्यक्रम में गणित, हिंदी और इंग्लिश को भी लागू किया जा चुका है और अब यूपी सरकार मदरसों के बच्चों के लिए नई ड्रेस कोड भी लेकर आ रही है। इस खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।